हेलो फ्रेंड्स, होम गार्डन पोर्ट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये हमारे क्ले का ये पोर्ट टूट गया, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज हम इस टूटे हुए पोर्ट में एक सुंदर सा गार्डन क्रिएट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये ड्रेनेज होल को कवर कर लेते हैं। अब इसमें भरते हैं हम मिट्टी। अब ये इसके जो पॉट के टूटे हुए टुकड़े हैं उनको एडजस्ट करके एक फ्रेम तैयार करते हैं हम। और मिट्टी भर देंगे इसमें। ये इस तरह से हमारा एक फ्रेम तैयार हुआ है। अब हम इस मिट्टी को गीला कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये पॉट रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कुछ प्लांट्स सेलेक्ट किए, जिनमें एक मेरे पास ये फाइकस का प्लांट है ये, और कुछ छोटे ये प्लांट्स जैसे ये बेबी टियर प्लांट्स है, ये मोंडोग्रास लिया है, और कुछ ये जेड प्लांट की जो कटिंग लगाई हुई है ये। तो देखते हैं किस तरह से हम इनका अरेंजमेंट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे ऊपर की साइड में सबसे पहले मैंने ये फाइकस का प्लांट लगा दिया है। अब इस मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे। अब इस वाले जो पार्ट है इसमें हम ये मोंडोग्रास लगा सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको लगाते हैं हम। अब हम सबसे ये नीचे के पार्ट में ये लगाएंगे बेबी टीयर्स की कटिंग। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने ये सारे प्लांट लगा लिए। यहाँ दो मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगा दी है। अब इसको कुछ डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं कुछ ये स्टोन्स, कुछ कलरफुल ये फैबल्स, और ये कुछ छोटे छोटे टॉय। इन सब की हेल्प से अपन हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये यहाँ पे हमने थोड़ी चिकनी मिट्टी लगाई है, जो जिनमें प्लांट लगे आते हैं, कई प्लांट्स चिकनी मिट्टी में लगे आते हैं, वो मिट्टी है। और इस पे ये थोड़े फैबल अरेंज करके स्टेयर्स बनाएंगे हम। ये हमारी स्टेयर्स बन गई है। चिकनी मिट्टी फ्रेंड्स इसलिए लगाई है ताकि ये जो फैबल्स है, जो स्टोन है, ये फिक्स हो जाए अच्छे से। अब इस मिट्टी को कवर करने के लिए हम यहाँ रखेंगे मॉस ग्रास। ड्राई आती है, इसको थोड़ा सा गीला करके भिगो के, और हम ऐसे ये सॉइल को, सॉइल का सरफेस कवर करने के लिए यूज करते हैं। ये बाकी का ऐसे एरिया ये कवर कर देंगे इन छोटे छोटे फैबल्स के साथ, कलरफुल फैबल्स के साथ। यहाँ जंगल में एक जेब्रा का छोड़ देते हैं घास खाने के लिए।
अभी तक इसका ऐसा लुक सामने आया है बनके। और अब ये थोड़ा ये चिकनी मिट्टी जब सूख जाएगी तो हम यहाँ थोड़ा कलर करेंगे, फिर आएगा इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स फाइनली रेडी है हमारा ये ब्रोकन पॉट में बनाया हुआ गार्डन। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। सबसे ऊपर हमने ये फाइकस का प्लांट लगाया है, नीचे ये थोड़े बड़े पत्थर रखे, इसके बीच दो ये बर्ड्स रखी है, और इधर ये आइसक्रीम स्टिक को कलर करके स्टैंड किया, और बीच में कुछ ये कलरफुल फेवल से डेकोरेट किया है इसको। इसके नीचे ये जंगल का लुक दिया है इस तरह से। ये तीन स्टेयर्स में ये इस पूरा गार्डन बना है, देख सकते हैं, लग रहा है ना बहुत प्यारा। फ्रेंड्स इसके अलावा भी मेरे पास बने हुए हैं इस तरह से गार्डन, जैसे ये मेरा कुछ समय पहले का ही बनाया हुआ गार्डन है। ये 15 इंची का बड़ा पोट ये टूट गया था, और इसका मैंने ये दो स्टेयर्स में बनाया, क्योंकि जब ये टूटा था तो इसका बड़ा पार्ट ये एक ही अलग हुआ था, बाकी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, तो इसको इस तरह से बनाया है। इसमें सबसे ऊपर ये अरेलिया का प्लांट लगाया है, और नीचे ये एक हाउस बनाया है, और उसमें ये के कार्टून कैरेक्टर रखा है जो बुक पढ़ रहे हैं, ये इनका हाउस है इस तरह से। और ये भी एक जो मिट्टी का छोटा पोट है जिसमें एक कैंडल थी, एक इसमें मैंने ये एक सकुलेंट प्लांट लगा दिया है, और पूरा लुक इसका इस तरह से आ रहा है ना, ये भी बहुत सुंदर प्यारा सा। इसके अलावा एक ये भी बहुत पहले 2 साल पहले मैंने ये बनाया था टूटे पोट से गार्डन। इसको मैंने ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं किया था, पर सकुलेंट प्लांट लगाए थे खूब सारे, छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। और इसको मैंने जंगल का लुक दिया था, अब ये प्लांट्स बड़े हो गए, इसमें मैंने कुछ एनिमल्स भी रखे थे इस तरह से, अब ये छुप गए, प्लांट बड़े हो गए इसलिए इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड आप भी बना सकते हैं, इसमें सिर्फ अपने दिमाग की इमेजिनेशन होती है कि इसको किस तरह से अब हम इसको सेट करें, कौन से प्लांट लगाएंगे और किस तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्लांट लगाएं वो एक ही तरह के होने चाहिए, जैसे सकुलेंट प्लांट लगा रहे हैं तो सिर्फ जो भी प्लांट लगाएं उसी सकुलेंट फैमिली से ही होने चाहिए ऐसे, और कुछ इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो उस हिसाब से सारे प्लांट लगाएं, जिससे इनको मेंटेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको मेरे ये फेरी गार्डन, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।